हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल द एपिक फैक्ट। आज की वीडियो में हम एक ऐसे मछली के बारे में बात करेंगे जिसकी उल्टी की कीमत 11 करोड़ रुपए है। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगी। तो बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। क्या आप कभी ये बात सोच सकते हैं कि किसी मछली की उल्टी भी 11 करोड़ रुपए में बिक सकती है? वेल मछली की उल्टी की कीमत करोड़ों रुपए में है। हाल ही में यमन के 35 मछुआरों के हाथ यही खजाना लगा, जिसकी बाजार में कीमत करीब 11 करोड़ रुपए है। वेल मछली की उल्टी को एम्बर ग्रीस कहते हैं। एम्बर ग्रीस को स्पर्म वेल का वॉमिट गोल्ड भी कहा जाता है। उसकी कीमत करीब 35 लाख रुपए प्रति किलो तक हो सकती है। दोस्तों, सुनने में तो यह बात अजीब लगता है, लेकिन स्पर्म व्हेल की उल्टी का इस्तेमाल महंगे परफ्यूम बनाने के लिए किया जाता है। दरअसल, जब स्पर्म व्हेल किसी कैटफिश, ऑक्टोपस या किसी दूसरे समुद्री जीव को खाती है तो इसके पाचन तंत्र में खास तरह का रसाव होता है। ऐसा इसलिए होता है ताकि नुकीले दांत या अंग से उसके शरीर को नुकसान न पहुंचे। बाद में स्पर्म व्हेल गैर जरूरी रसाव को अपने उल्टी के जरिए शरीर से बाहर निकाल देती है। इस दौरान वह अपने शरीर से एम्बर ग्रेस को बाहर निकालती है। सूरज की रोशनी और समुद्र का खारा पानी मिलने के बाद उल्टी एम्बर ग्रेस बन जाता है। आपको बता दें कि यह उल्टी बेहद दुर्लभ होती है। बताया जाता है कि एम्बर ग्रेस की गंध बहुत बुरी होती है, लेकिन हवा के संपर्क में आने से इसकी गंध मीठी हो जाती है। दरअसल, एम्बर ग्रेस बेहद दुर्लभ है और इसी वजह से इसकी कीमत बहुत ज़्यादा है। इसकी कीमत सोने से भी ज़्यादा हो सकती है। अरब देशों में व्हेल की उल्टी की मांग काफ़ी ज़्यादा है। वो इसकी ज़्यादा से ज़्यादा कीमत अदा करने के लिए तैयार हैं। हालांकि हड्डियों, तेल और एम्बर ग्रेस के लिए व्हेल मछली का बड़े पैमाने पर शिकार कर लिया जाता है। एम्बर ग्रेस सदियों से न सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में परफ्यूम और दवाओं के लिए इस्तेमाल होता है। इतिहास के बहुत सी किताबों में इसका जिक्र मिलता है। आयुर्वेद के अलावा यूनानी दवाओं में भी इसका इस्तेमाल होता है। एम्बर ग्रेस की बिक्री वैसे तो गैरकानूनी है, क्योंकि स्पर्म व्हेल की प्रजाति एक तरह से खत्म होने के कगार पर है। स्पर्म व्हेल को 1970 में ही गायब होने वाली प्रजातियों की लिस्ट में शामिल कर लिया गया था। इसके गैर कानूनी व्यापार में कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलती है। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।